Back from the dead. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Yash Fitness. तो गाइस आज के वीडियो में हम एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो लोग जिम नहीं जाते, वैसे इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या जिम नहीं जाते, उनके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो वो रेगुलरली घर में परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी फुल बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। उन्हें और कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करके अपनी जो मोस्ट ऑफ द मसल ग्रुप है हमारी बॉडी में उसको टारगेट कर सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो गाइस इस एक्सरसाइज का नाम है हिंदू पुशअप्स। ये एक्सरसाइज बहुत ही पुरानी है, एंशियंट टाइम से ही जो हमारे पहलवान हुए करते थे, जो अखाड़ा में वर्कआउट करते थे, वो लोग ये वर्कआउट करते थे और इससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। चाहे उनका फिटनेस गोल कोई भी हो या वो किसी भी फील्ड के हो, लोग ये वर्कआउट हमेशा इंक्लूड करते थे अपने रूटीन में। आज भी मोस्ट ऑफ द जो एथलीट्स है वो अपनी वर्कआउट रूटीन में इसे इंक्लूड करते ही। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप सिंगल एक एक्सरसाइज से ही अपने मोस्ट ऑफ द जो मसल ग्रुप है उसको ट्रेन कर पाएंगे। अपने चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, अपने बाइसेप्स, अपने ट्रैप्स, मोस्ट ऑफ द जो मसल है आपके लैट्स जो है जिससे आप वाइड दिखते ज़्यादा, उसको भी ट्रेन कर पाएंगे। आप सिर्फ इस एक्सरसाइज को ही करके मोस्ट ऑफ द जो आपकी मसल्स हैं उनको ट्रेन कर पाएंगे। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ घर में वर्कआउट करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सेम वैसे ही परफॉर्म करना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. आपने वीडियो में देखा होगा कि जब मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा था तो मेरी जो ग्रिप थी वो शोल्डर ग्रिप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। कई लोग एकदम ज़्यादा वाइड ग्रिप कर लेते, कई लोग एकदम ज़्यादा क्लोज ग्रिप कर लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप न्यूट्रल ग्रिप रखिएगा, जो आपकी शोल्डर ग्रिप है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस। तो उससे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपके बैक में, आपके ट्राइसेप में, और आपको फुल रेंज ऑफ मोशन का बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि हु कैन परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, कौन इसे परफॉर्म कर सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये ही लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एथलीट्स, बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर भी इसे अप्लाई करते हैं अपने रूटीन में, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। उनकी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उनके बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है जब वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो मोस्टली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जिम नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाते हैं बट वो फिट रहना चाहते हैं घर में, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। वो आराम से इसे घर में परफॉर्म कर सकते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उनके जितने भी मसल ग्रुप है वो इसमें टारगेट होंगे। साथ में अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको इसके 5 से 6 सेट्स लेने हैं और आपको रेपिटेशंस अपने फेलियर तक जाने हैं। आप चाहे 5-7 में भी अगर आप थक जा रहे, आप नहीं कर पा रहे एक रेप और, तो आप उतने में स्टॉप हो सकते हैं। अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है, आप 20-25 रेपिटेशन कर पा रहे तो इनफ है, आप उतना कर सकते हैं। और इसे कोई भी परफॉर्म कर सकता है, चाहे उसकी एज 70 अबव हो, चाहे वो 20 साल का हो, 18 साल का हो, 15 साल का हो, आप सब इसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी बॉडी पे। बल्कि अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं, कभी आपने वर्कआउट नहीं भी किया है, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस अगर आप डेली वर्कआउट नहीं कर पाते अपने घर में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अल्टरनेट डेज में वर्कआउट कीजिए। आप एक दिन अपर बॉडी ट्रेन कर सकते हैं, उसमें आप ये पुशअप्स कर सकते हैं, इसके 5 से 6 सेट्स कर सकते हैं, और दूसरे दिन आप लेग्स के वर्कआउट कर सकते हैं। लेग्स में आप स्क्वाट मार सकते हैं जितना आप चाहे, क्योंकि स्क्वाट्स बहुत अच्छी वर्कआउट है। उससे आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है नेचुरली और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में मुझसे और क्वेश्चंस पूछिए। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मैं हर एक को अप्लाई करता हूँ, मैं आपको भी अप्लाई करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ, आपको अच्छे से समझा सकूँ, जितना भी हो सके आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो आप मेक श्योर कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए, ताकि मैं वहाँ पे भी जो भी वीडियोस या कंटेंट डालूँ वो आप देख सकें। और गाइस, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सके, वो वर्कआउट कर सके अच्छे से। उनको मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से वर्कआउट कर सके प्रॉपरली और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।